अब प्लास्टिक की बोतलों से इको फ्रेंडली कपड़े बनाएंगे मुकेश अंबानी। रिल ने रेमन से मिलाया हाथ। रिलायंस इंडस्ट्री अब एक नई शुरुआत करने जा रही है। जी हाँ, दरअसल रिलायंस अब टेक्सटाइल कंपनी रेमन के साथ मिलकर प्लास्टिक से फाइबर बनाने जा रही है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल यह नए तरीके का फाइबर बनाना शुरू किया था। मालूम हो कि आर एलान ग्रीन गोल्ड नाम का यह फाइबर पुरानी और खराब प्लास्टिक बोतलों से तैयार किया जाता है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तैयार हुए फैब्रिक एकावर को दुनिया का सबसे ग्रीन फाइबर माना जा रहा है। कैसे तैयार होता है ग्रीन गोल्ड? आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आर एलान ग्रीन गोल्ड को लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई पेट बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया जाता है। दरअसल इसके लिए बायोफ्यूल और एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि इसके लिए कंपनी लैंडफिल से 10 लाख बोतलें निकालने वाली है। इस फैब्रिक को देश के 700 शहरों में 1500 स्टोर्स में लॉन्च किया जाएगा। बनेगा इको फ्रेंडली फैब्रिक। आपको बता दें कि रेमन टेक्सटाइल के प्रेसिडेंट सुधांशु पोखरियाल के मुताबिक इको फ्रेंडली और टिकाऊ फैब्रिक तैयार करने की हमारी कोशिश में आर एलान ग्रीन गोल्ड सबसे अच्छी च्वाइस है। इसके जरिए हम कई खूबियों और चमक वाले फैब्रिक बना सकेंगे। वहीं रिल पॉलिस्टर बिजनेस के CMO के अनुसार रेमन के साथ पार्टनरशिप ने रिलायंस को मौका दिया है कि वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। वुलन टेक्सटाइल में भी हाथ आजमा चुकी है रिलायंस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रैलन फाइबर से फैब्रिक बनाया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल इससे पहले रिलायंस ने वर्मान टेक्सटाइल के साथ मिलकर ऐसा फाइबर बनाया था जिससे वुलन टेक्सटाइल तैयार किए गए थे।